Yo, what's up YouTube? Welcome back to our channel. और आज की वीडियो में फिर से मेरे साथ है मेरी मम्मी। और फिर से बहुत मुद्दतों के बाद, बहुत रिक्वेस्ट के बाद हम लाए हैं एक नया फूड चैलेंज। मम्मी, बहुत टाइम बाद फूड चैलेंज हो रहा है फुकरा इंसान चैनल पे। पता नहीं जमाने होगा जब से लॉकडाउन हुआ है, फूड का तो नाम और निशान गायब हो गया। बस अब फूड मिलता है डिम्पल्स किचन पे। फुकरा इंसान चैनल पे फूड मिलना बंद हो गया था जो मुझे लगता है। बट फिर से आप लोगों की रिक्वेस्ट के बाद हम लाए हैं नए नए फूड चैलेंजेस। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ज्योमेट्रिक फूड चैलेंज। जैसे आप ये देख सकते हो, ये है मेरे पास सर्कल। मम्मी, आपके पास क्या है? अभी मम्मी के पास है रेक्टेंगल, तो वैसे एक बीच में ट्रायंगल भी है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास होने वाले, हमारे मतलब मेरे और मम्मी के बीच में होने वाले 5 राउंड्स। लाइक टोटल हमारे बीच में 5 राउंड्स होंगे, और जो एक राउंड जीतता है वो डिसाइड करता है कि वो कौन सा खाने वाला है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल या सर्कल। और एक मतलब दो ऑप्शंस ही होंगे अवेलेबल, एक हट जाया करेगा। जैसे ट्रायंगल हट जाएगा फर्स्ट राउंड में, सिर्फ सर्कल और रेक्टेंगल होगा। और मैं चूज करूंगा कि सर्कल या रेक्टेंगल, एक में अच्छा फूड होगा और एक में होगा कुछ उल्टा पुल्टा खाने वाला। तो जो अच्छा सेलेक्ट कर पाएगा वो होगा विनर, और जो अच्छा नहीं सेलेक्ट कर पाएगा वो होगा उस राउंड का लूजर। तो मम्मी क्या लगता है, आर यू रेडी, रेडी फॉर अ फाइट? बताता तो है नहीं कुछ भी कि करना क्या होता है, सीधा मम्मी तैयार हो गया, आज वो वीडियो बनानी है। तो मैं भी आ गई, पता नहीं क्या कराने वाला है मेरे से। मेरी माँ, खाना जो बना है वो डिम्पल्स किचन में ही बना है। डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, रोटी है मिर्ची वाली, मतलब क्या क्या बनाया मम्मी ने, ट्रायंगल शेप्स में, रेक्टेंगल शेप में और स्क्वायर शेप में, बिकॉज एवरीथिंग इज होमी फूड। थोड़ा सा बाहर से हो सकता है, इतना एडजस्ट कर लेना। तो चलते हैं यहाँ से हम अपने पहले राउंड की तरफ। और जिसके फेस पे एक्सप्रेशन कम होंगे वो होगा राउंड वन का विनर। तो मतलब पापा यहाँ पर हमारे जज, वो देखेंगे हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, अगर हमारे एक्सप्रेशन आ रहे हैं नहीं आ रहे। जिसके एक्सप्रेशन कम होंगे वो होगा विनर, जिसके पहले ऐसे किचक मिचक वाले वो हार जाएगा। तो लेट्स डू दिस मम्मी। आ जाओ भाई, लेट्स डू दिस। पापा है हमारे पिछले जज। पापा, आर यू रेडी? यस। मेरे तो पहले नींबू देख के ही मेरे मुंह पे आ रहे हैं, फेस पे एक्सप्रेशन। मम्मी, दिस इज गुड विटामिन सी, लेट्स डू दिस। तेरे ही आगे। मम्मी आपने लिया नहीं इसको? खाया मैंने। मैं कैसे गारंटी बांधू पापा खाया था मम्मी ने? हाँ। मेरे को लगता नहीं, एक बार और नहीं करना चाहिए। ये तो ऐसे मतलब नींबू का रस इतना स्वाद होता है। तू हार चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं हार गया हूँ राउंड वन। तो राउंड वन में मम्मी डिसाइड करने वाली है कि हमारा ज्योमेट्रिक फूड क्या होने वाला है, लाइक वो कौन सा सेलेक्ट करती हैं। तो लेट्स सी पापा क्या लाते हैं क्या नहीं। ऑल राइट फैमिली, तो पापा रखेंगे इसके अंदर खाना, लेट्स सी किसमें क्या रखते हैं। चलो मैं राउंड वाला हटा देता हूँ। Go. All right, तो रख दिया है पापा ने सामान और सर्कल हट गया है। तो अब हमारे पास है ट्रायंगल और रेक्टेंगल। तो मम्मी अब आपकी चॉइस है, आप जीतो राउंड वन, तो आपके ऊपर है क्या सिलेक्ट करना चाहते हो आप, ट्रायंगल या रेक्टेंगल? मेरे को ट्रायंगल ले लिया मम्मी ने और रेक्टेंगल कर लिया मेरे आगे। तो एक बार मम्मी एक बार सबको दिखा दे, ये है मेरा। ओके। तो मेरे को रेक्टेंगल की शेप में मिली है कच्ची मैगी, और मुझे ट्रायंगल में मिला है टोस्ट। मैं कच्ची मैगी, मम्मी वैसे मैं कच्ची मैगी से भी खुश हूँ। हाँ, मैं खा लेता हूँ कच्ची मैगी, बट इसका पॉइंट मिलेगा मम्मी को क्योंकि हमने ट्रायंगल में टोस्ट को रखा था अच्छे में। तो खाओ इसको। मम्मी आपने इस पे मसाला डाला है? नहीं, मसाले वाली मैगी लग रही है यार, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मुझे बहुत आया, मेरे को भी खिलाते यार। क्योंकि मेरे हाथों से बना हुआ है तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। वहां पे लोग शॉक हो गए कि हम ऐसे क्यों है, क्योंकि अब होने वाला है हमारा नींबू बैलेंसिंग रेस।
मतलब हमें क्या करना है, चम्मच को मुंह में रखना है और इसमें नींबू रख के रेस्ट करनी है। सबको पता है, सबको पता है स्कूल में करते होते थे। अब ये हमें करना ऊपर और मैं ही जीतूंगी क्योंकि मैं इस रेस में हमेशा फर्स्ट आती थी अपने स्कूल में। कुछ भी देखना, मैं ही जीत। आप यहाँ से चलेंगे और मैं मम्मी को हराने वाला हूँ। लेट्स गो फैमिली। क्या हो गया? हारने का राउंड वन भी हारा, राउंड टू भी हारा, मतलब यार। तो मैंने पहले बोला था कि ये तो रेस में बहुत जीती हुई हूँ, तो तू हारेगा ही हारेगा। नहीं नहीं नहीं, फिर से मम्मी को मिलता है एक और चांस सेलेक्ट करने का, ट्रायंगल, सर्कल या रेक्टेंगल। तो देखते हैं क्या आता है। लेट्स गो फैम। ये बता दे, मेरी चांस है कुछ अच्छा देना। ओके अच्छा, बिजली की सिफारिश लीजिए। ऑल राइट, तो इस बार हमारे पास है एक रेक्टेंगल और एक सर्कल, तो लेट्स सी क्या सिलेक्ट करते हैं मम्मी। मैंने तो राउंड सर्कल ही सिलेक्ट करना। ये यार ही गलत है यार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। तो देखते हैं क्या रखा है। बाकी मम्मी ने जो बनाया ना चीजें, तो उनको पता है कि ज्यादा अच्छी चीजें कहाँ कहाँ है और कहाँ नहीं। तो रखी तो पापा ने है, मेरे को क्या पता। देखते हैं, मेरे रेक्टेंगल में आई है कच्ची चीज। कौन खाता है? तुझे खानी पड़ेगी। मैं फिर से हार गया, कितनी बार हारूंगा यार। ये अपने चैनल पे बुला के अपनी ही बेइज्जती करवाता है, हमेशा ही हारता है, कोई चैलेंज नहीं जीतता। ये कच्ची चीज बहुत बेकार है यार। पर ये बहुत अच्छी। आई विश मैं खा पाता। तो अब ये गिलास क्यों लेके आया है? मम्मी गिलास के अंदर है एक नींबू। अच्छा, ठीक है। हाँ। अब मैं करूंगा इसको शफल और फिर आपने बताना है कि किसके अंदर है वो नींबू। ठीक तो है, मैं ही करूंगी। आप ही करोगे, अगर आप करना चाहते हो तो आप करो। नहीं नहीं, मैं गेस कर सकती हूँ। बट फिर देखो सीधी बात है, पहली बार मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कि मैंने कहाँ रखा है। ठीक है, तो वो मेरा आई मास्क है ना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कर लिया। छोटा सा चैलेंज है आपके लिए। ठीक है, तो शफल तो कर रहा हूँ। मम्मी को पता, तेज हो आपको ऐसे सब पता चल जाता है। ओके, बहुत ही ज्यादा मैंने दिमाग लगा दिया, इंट्यूशन लगा दिया, पीछे बैठे हुए पापा को पता है क्योंकि एक बार वो आंसर दे चुके हैं। दिस इज अ रिपीट टेलीकास्ट, बट लेट्स सी व्हाट वी आर डूइंग। मम्मी, 1, 2, 3, नो चीटिंग, पापा की तरफ नहीं देखना भाई। एंगल ले, एंगल ले, लेट्स सी, 1, 2, 3, कम ऑन मम्मी। अबे इतनी टेंशन क्यों हो रही है? गलत हो गया। अब पापा आपकी गेस लेते हैं। अब आप बताओ। फर्स्ट में था मम्मी। क्या कर रहा था तुम लोग? पापा आपको यूं कर भी रहे थे पीछे से, दोनों मियां बीवी बहुत चीटिंग करते हैं पीछे से। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट यस, मैंने इसको चांस दिया एक्चुअली। फाइनली आई गेट टू सेलेक्ट कि किसमें रखना है क्या नहीं। तो पापा, नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल चैलेंज, ज्योमेट्रिकल फूड लाया जाए। सेम, चलो स्टार्ट। ऑलराइट, पापा ने बोल दिया गो, और इस बार है मेरी सिलेक्शन। तो मम्मी, I'll select circle. मुझे पता ही था। I'll go with circle, क्योंकि मम्मी ने एक बहुत amazing चीज बनाई थी। अगर वो ही निकली तो I'll be the winner, I guess. Very good. हार के भी जीत गई मैं और बढ़िया चीज मिल गई। बर्गर का क्या बाजी? धोखे बाजी, इतनी धोखे बाजी। Holy shit. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं बेटा। धोखेबाजी। मम्मी, अगर आप भी होते तो आपकी सर्कल ही चूज करते हैं, क्योंकि मैं तो भी लगा था बर्गर का आ गया यार। ये तो चीटिंग करती दोनों ने मिलके मेरे साथ। बहुत अल्लाह माफ करे, बहुत बेकार चीज है। कोई टेस्ट नाम भी वो चीज ही नहीं है इसमें। स्कोर इज 3-0, मतलब मेरे को लग रहा है 3-0
इंडिया वेस्ट इंडीज के मैच की तरह हो रहे, तो थोड़ा टेस्ट कराओ यार। अबे साले चलते हैं यहाँ से हम अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ। खाओ खाओ एंजॉय करो। मजा आ गया भाई, गॉड ओरियो चॉकलेट। मेरा पूरा लाइफ खराब हो गया कसम से। बैक टू बैक थर्ड राउंड हारा हूं मैं कवर अप करना चाहता हूँ, नहीं तो कसम से बहुत बुरा हाल होने वाला है मेरा। तो वैसे भी अब 5 राउंड है, 3 तो मैं जीत गई। एटलीस्ट कवर अप कर लूंगा तो 3 तो हो जाएगा ना। तो चलते हैं हम अपने फोर्थ राउंड की तरफ, जिसमें हम करने वाले टिप टॉप, जो हम बचपन में बैटिंग और बॉलिंग से पहले करते थे टिप टॉप। तो देखते हैं टिप टॉप में कौन जीतता है। तो लेट्स गो मम्मी। मैं बोलने वाला हूँ टिप, मम्मी बोलने वाली है टॉप। टॉप नहीं, वो टिप टॉप नहीं था, वो टिप टॉप है। टिप टैप बहुत होता है, टिप्पी टिप्पी टैप, व्हाट कलर यू वांट, ये है टिप टॉप। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टॉप, हाँ, टिप टैप, टिप टॉप, टिप टॉप, टिप टॉप, हाफ। अरे मेरी बारी है, अरे मेरी बारी, अरे चीटिंग चीटिंग, अरे मेरी बारी थी यार, बड़ी है तो क्या दिक्कत है, आपको ये चैलेंज फिर से राउंड दे देते हैं। मेरी माँ, आप सिलेक्ट करो ट्राइंगल रेक्टेंगल सर्कल। तो पापा खाना प्रकट किया जाए। चलिए हो गया, शुरू किया जाए। ऑलराइट, तो इस बार आया है सर्कल और रेक्टेंगल, एंड मम्मी यू आर नॉट अलाउड टू चूज सर्कल। आई विल चूज सर्कल। देखो मुझे पता था, इसीलिए मैंने ये सिलेक्ट करा। अरे इसमें भी अच्छा लगा पापा ने, भाई पापा ने इस बार दोनों में अच्छा रखा है। फाइनली ये पॉइंट तो शेयर किया जाएगा। ये पापा का पॉइंट काटो। ऑलराइट, तो मेरे को मिला है रेक्टेंगल में लेस, मम्मी को मिला है सर्कल में बर्गर। तो ये पॉइंट पापा ने दोनों को दे दिया। सो इट इज 4-1। खाओ पियो ऐश करो मित्रों। ऑलराइट फैमिली, तो मम्मी ही सारे पॉइंट लेके जा रही है। मम्मी कह रही है खाने का पॉइंट नहीं देना तुम्हें, चैलेंज के पॉइंट है, चैलेंजेस मैं जीतू सारी। तो 4-0 और बहुत ही बुरा पिलाऊ मैं इस चैलेंज में। तो चलते यहाँ से कंपेंसेटरी लाइक फॉर कंडोलेंस लास्ट राउंड कर ही लेते हैं। शायद मैं जीत जाऊं, शायद एक पॉइंट मेरे को भी मिल जाए। तो लेट्स मूव ऑन टू अवर राउंड 5। तो अब क्या है तेरा राउंड 5 में मम्मी, हम खेलने वाले हैं 3 पत्ती। कोई बात नहीं, वो भी मैं ही जीतने वाला हूं। पता है इसमें क्या होने वाला है, मैं बांटूंगा 3 पत्ते आपके, 3 पत्ते मेरे, और जिसके हाईएस्ट बनेंगे वो का विनर। कोई बात नहीं, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 कैमरे में दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले खोला जाए पहला पत्ता। अच्छा, 1 by 1 मेरा है 8, तो अपना काउंटिंग रखना। 8 + 7 = 15। ओ, मैं तो हार गई। 3 15 + 12 = 27। मेरे बने 27, आपके बने 17। आई होप मैं कुछ अच्छा कर जाऊं, भगवान मुझे मुझे शक्ति देना भगवान। नहीं प्रकट हो, खाना प्रकट किया जाए। हाँ, खाना प्रकट हो गया, हो गया। और इस बार हमारे पास है सर्कल और ट्रायंगल। क्या था मम्मी का, देखो पूरी कैलकुलेशन चल गई, एक बार बताया जाए। आई विल गो विथ सर्कल दिस टाइम। सर्कल में मिले हैं डार्क फैंटेसी और इसमें आई है मिर्ची वाली रोटी। कोई बात नहीं, ये तो पिज्जा सैंडविच वाला वो बनाया था मैंने। मेरे को तो आपने मिर्ची रोटी बताई थी। हो, मैंने समोसा बनाया था। अच्छा, रोटी समोसा, वाह। ये इसमें चीज कॉर्न्स, मुझे तो मिर्ची वाली रोटी बताई गई थी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। मैंने कब ट्रायंगल शेप दिया मम्मी ने, क्या बात है डिंपल्स किचन।
समोसा बना दो ना। पर ये पॉइंट मिलेगा मेरे को। कोई बात नहीं। 4-1 तो आज की वीडियो की विनर है डिस्कस। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और फूड चैलेंजेस दिखने वाले आपको इस चैनल पे, तो कोई आपका फूड चैलेंज जो आप देखना चाहो तो डू कमेंट डाउन। खाओ मेरी वो पिज्जा सैंडविच वाली वीडियो जरूर देखना, बहुत बढ़िया बना था। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। खाओ पहले उसे। मैं खा रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।